फ्रेंड्स, अभी दो दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिस्क रिपोर्ट दी है 2022 के लिए, और उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे बहुत काम की हैं और हम सभी को उन्हें समझना आवश्यक है। जैसे दुनिया भर के लिए जो मैं कहता हूं कि ग्लोबल जो आउटलुक है रिस्क को लेके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो ये है कि आज की तारीख में दुनिया के सामने जो बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देर विल बी लाइक क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। और क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क क्या हैं कि आप समझिए कि बहुत सारी इकोनॉमीज जो पूरी तरह से टूरिज्म पर आधारित हैं, दे माइट फेस कंडीशंस वेयर उन कंट्रीज़ में टूरिज्म के लिए लोगों का जाना ही बहुत मुश्किल हो जाए। इसके अलावा जो किसान पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, उन किसानों का फसल उगाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि जिस क्रॉप पैटर्न पे वो लोग चल रहे हैं और जो वेदर के हिसाब से पुराने समय से सही चल रहा था, अब वो सब बदलने वाला है और बदल रहा है। हम देखते हैं आजकल के सर्दियां लेट हो गई हैं, गर्मियां लेट हो गई हैं, बरसात लेट हो गई हैं, तो ऑल काइंड ऑफ चेंजेस आर देयर। और ये सिचुएशन अभी और एक्सेंचुएट होने वाली है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा ग्लोबल रिस्क है, और उन्होंने जो 10 कारण बताए हैं, और रादर 10 रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, आउट ऑफ दोज 10, 5 आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। एक और जो मेजर रिस्क उन्होंने बताया है, दैट इज ग्रोइंग सोशल डिवाइड अक्रॉस द ग्लोब। तो ग्रोइंग सोशल डिवाइड क्या है कि जो समाज हैं अलग अलग जगह पे, जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद से चाइना का लगभग पूरी दुनिया के साथ रिफ्ट हो गया, और ऐसा सिचुएशन जो है ये और भविष्य में बढ़ने वाली है, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मानना है। और ये भी एक बहुत मेजर चैलेंज है हम सभी के लिए। सिमिलरली देर इज़ अनदर चैलेंज, दैट इज़ हाइटेंड साइबर रिस्क। तो हाइटेंड साइबर रिस्क इसलिए क्योंकि आजकल आप देखिए कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ ऑनलाइन। हम सभी रोज़मर्रा के काम भी ऑनलाइन करते हैं, लाइक ग्रोसरी भी हम ऑनलाइन खरीदते हैं, एंटरटेनमेंट हमारा ऑनलाइन है, वर्क हमारा ऑनलाइन, सो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। सो व्हेन एवरीबडी इज़ ऑनलाइन एंड एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, देर इज़ हायर रिस्क विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी एंड थेफ्ट। आप देखिए, जैसे पहले चोरी करने का तरीका कुछ अलग होता था कि लोग मकानों में घुस के चोरियां कर लेते थे, आज की तारीख में क्योंकि आपका सब कुछ आपके फ़ोन के अंदर है और लैपटॉप के अंदर है, तो आपके फ़ोन और लैपटॉप में घुस के लोग चोरियां कर रहे हैं। तो इट इज़ चेंजिंग एंड दिस इज़ अ ह्यूज रिस्क मूविंग फॉरवर्ड। और अभी हम बहुत सारी खबरें सुनते हैं अलग अलग अखबारों में कि किसी के खाते से पैसे चोरी कर लिए, किसी का पासवर्ड कॉपी हो गया, किसी का अकाउंट हैक हो गया। सो दिस काइंड ऑफ इश्यूज आर गोइंग टू बी मोर इन टाइम्स टू कम। जो तीसरी बात उन्होंने कही है, रादर चौथी बात, मैं भूल गया था, जो चौथी बात उन्होंने कही है, दैट इज़ अनइवन ग्लोबल रिकवरी। तो ग्लोबल रिकवरी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना बहुत प्रोमिनेंटली पिछले लगभग 1-1.5 साल से चल रहा है, उसकी वजह से जब कोरोना आता है तो ग्लोबल इकोनॉमी एकदम से बैठ जाती है, व्यापारिक एक्टिविटी बंद हो जाती है, और फिर जब कोरोना चला जाता है तो व्यापारिक एक्टिविटी दोबारा शुरू होती है। तो ये अप एंड डाउन अभी लगभग अगले 3 साल तक चलता रहेगा, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मानना है। तो ये बहुत अलार्मिंग साइन है। और साथ ही जो पांचवी बात उन्होंने कही है वो इसी से संबंधित है। इससे संबंधित कैसे है कि उन्होंने कहा कि जो मानसिक समस्याएं हैं लोगों को, वो भी बढ़ने वाली हैं अगले 3 सालों में। तो मानसिक समस्याएं इसलिए बढ़ने वाली हैं क्योंकि आप देखिए, ये जो टाइम है बहुत टर्मोइल है यहाँ पर, क्योंकि कोविड बार बार आ रहा है, जा रहा है, और हम सभी ने बहुत कुछ खोया है कोविड में। हम सब ने कहीं ना कहीं अपने लोगों को खोया है, अपने परिवार के लोगों को खोया है, अपने व्यापार को खोया है, अपनी लाइवलीहुड को खोया है। तो ये बड़ा ट्रॉमेटिक टाइम है। तो क्योंकि ये ट्रॉमेटिक टाइम है, इसलिए यहाँ पे आप मान के चलिए कि बहुत सारी मानसिक समस्याएं लोगों को हैं और भविष्य में और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो दिस विल बी ए ग्लोबल एपिडेमिक, यू कैन से। जैसे पैंडेमिक तो है ही कोविड, लेकिन ये समस्या भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैलने वाली है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हम सभी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे आसपास अगर आपको लगता है कोई भी आदमी स्ट्रेस्ड है, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस्ड है या परेशान है, तो हम सबका आज की तारीख में उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा कोई भाई बहन अगर परेशान है तो हम उस भाई बहन को उस परेशानी से निकाल लें। वी मस्ट लेंड हेल्पिंग हैंड टू अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड इफ वी ऑल डू दैट, प्रोबेबली दिस रिस्क कैन बी मिटिगेटेड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जरूर ये बात कही है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है
और बहुत मुश्किल है इससे पार पाना, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सभी एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें, तो ये रिस्क हम डेफिनेटली मिटिगेट कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत के लिए भी कुछ बातें कही हैं, और भारत के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने जो सबसे मेजर बात कही है वो ये कहा है कि भाई हमारे जो यूथ है, हमारा जो युवा है, उसमें डिसइल्यूजनमेंट है। तो डिसइल्यूजनमेंट का मतलब ये हुआ कि उसे अपने बारे में सही सही जानकारी नहीं है, वो भ्रम की ज़िंदगी जी रहा है और उसके नॉलेज लेवल्स बहुत पुअर हैं, उसे दुनियावी बातों का ज्ञान नहीं है, ना उसे पॉलिटिकल चीज़ों का पता दुनिया में क्या हो रहा है, ना उसे सोशल चीज़ों का पता दुनिया में क्या हो रहा है, और ना उसे इकोनॉमिक चीज़ों का पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, और उसके पास वो नेसेसरी स्किल्स भी नहीं है जो वर्क प्लेस पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं काम करने के लिए और एक्सेल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है हमारे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए और लार्जली सोशल सिस्टम के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसे युवाओं को तैयार कर रहे हैं जो काम करने के लिए दुनिया के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है भारत के लिए एज सच। और सिमिलरली जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो रहती हैं कंस्टेंटली, जो दुनिया के सामने चैलेंजेस हैं वो भारत के सामने भी चैलेंजेस हैं। सिमिलरली एक और बड़ा जो रिस्क उन्होंने बताया है भारत के लिए, दैट इज कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू, जैसे हमारे यहाँ जो सिस्टम है, यहाँ पे एक फेडरल गवर्नमेंट है और उसके बाद डिफरेंट स्टेट्स की अलग गवर्नमेंट्स हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो स्टेट्स हैं भारत में, विभिन्न राज्य जो हैं, राज्यों के बीच में दूरियाँ बढ़ जाएंगी। तो राज्यों के बीच में दूरियाँ बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आपने देखा कि पानी को लेकर कई राज्यों के बीच में विवाद है, कई राज्यों के बीच में विवाद सीमाओं को लेकर है, कई राज्यों के बीच में विवाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेकर है। तो और कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन वी विल हैव टू टैकल इट, और टैकल करने के लिए मुझे लगता है कि हम सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल पार्टीज का है कि आपस में समन्वय बनाकर चलें। अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू सेल थ्रू दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। और तीसरी बात जो कॉमन है पूरी दुनिया के लिए, दैट इज मेंटल इश्यूज। मेंटल इश्यूज हमें बहुत परेशान करने वाले हैं अगले 3 सालों तक, क्योंकि आप देखिए कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक्सपर्ट्स के साथ भी बात की है तो एक्सपर्ट्स में भी बहुत ऑप्टिमिज्म नहीं है, बहुत पेसिमिज्म है, और सिर्फ 10 में से 1 आदमी ऐसा बिलीव करता है कि ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी आने वाले समय में। आने वाले 3 सालों तक जो आउटलुक है वो बहुत बहुत ब्लीक लग रहा है, अभी मुझे कहते हुए दुख हो रहा है ये बात, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात लोगों को परेशान कर सकती है। लेकिन अगर हम सभी एक दूसरे का हाथ थाम कर चलें, एक दूसरे को हेल्प करें, आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम इस प्रॉब्लम को टैकल जरूर कर पाएंगे। तो ऑफ कोर्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है रिस्क को लेकर आने वाले 3 सालों में, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, थोड़ी सी ब्लीक लग रही है, बट यू नो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उससे बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारी दुनिया हमारे 2 कानों के बीच में है, एंड इफ़ वी रिमेन हेल्दी मेंटली तो प्रोबेबली वी कैन सेल थ्रू दिस। एंड देर आर मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज मूविंग फॉरवर्ड, लाइक करोना ऑफकोर्स बहुत डेडली डिजीज़ है, उसने बहुत कष्ट दिया है हम सभी को, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर कहीं कुछ हमसे खोता है, कुछ जाता है हमारे पास से, तो कुछ आता भी है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव बातों पर अगर हम फोकस करेंगे तो वी विल बी एबल टू सेल थ्रू दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक इन दीज टफ टाइम्स। थैंक यू।